इंस्पेक्शन एंड कंपैरिजन ऑफ गिट पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न करना सीखेंगे: गिट डिफ, गिट शो, गिट ब्लेम और गिट हेल्प कमांड्स। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ Ubuntu Linux 14.04, गिट 2.3.2 और Gedit टेक्स्ट एडिटर। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर उपयोग कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल के अनुसरण के लिए आपको टर्मिनल पर रन होने वाली लिनक्स कमांड्स की जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं तो संबंधित लिनक्स ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब git diff कमांड से शुरू करते हैं। यह कमांड फाइल्स के वर्तमान स्टेटस के बदलावों को दिखाएगी। अब मैं आपको दिखाऊंगी यह कैसे कार्य करता है। टर्मिनल खोलने के लिए Ctrl Alt T दबाएं। हम अपनी git repository my web पेज पर जाएंगे जो हमने पहले बनाई। टाइप करें cd स्पेस my web पेज और एंटर दबाएं। मैं प्रदर्शन के लिए html फाइल्स का उपयोग जारी रखूंगी। आप अपनी पसंद का कोई भी फाइल टाइप उपयोग कर सकते हैं। पहले html फाइल history.html बनाऊंगी और प्रदर्शन के लिए इसे कमिट करूंगी। टाइप करें gedit space history.html space ampersand और एंटर दबाएं। मैं अपने पहले सेव किए हुए राइटर डॉक्यूमेंट से इस फाइल में कुछ कोड कॉपी और पेस्ट करूंगी। अब फाइल को सेव और बंद करें। याद करें कि जब भी हम कोई फाइल जोड़ते या मिटाते हैं तो हमें अपना काम कमिट करना है। स्टेजिंग एरिया में फाइल जोड़ने के लिए टाइप करें git space add space history.html और एंटर दबाएं। अपना काम कमिट करने के लिए टाइप करें git space commit space hyphen m space डबल कोट्स में added history.html और एंटर दबाएं। अब git log देखते हैं। टाइप करें git स्पेस लॉग और एंटर दबाएं। वर्तमान में हमारी रिपोजिटरी में हमारे पास दो कमिट्स हैं। अब mypage.html और history.html फाइल्स खोलते हैं। टाइप करें gedit स्पेस mypage.html स्पेस history.html स्पेस ampersand। यहाँ mypage.html वो फाइल है जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में बनाई। एंटर दबाएं। अब इन फाइल्स में कुछ लाइनें जोड़ते और मिटाते हैं। फिर फाइल्स को सेव और बंद करते हैं। कुछ स्थितियों में हमें याद नहीं रहता कि हमने अपनी फाइल्स में क्या बदलाव किए हैं। अब git status चेक करते हैं। टाइप करें git space status और एंटर दबाएं। यह केवल रूपांतरित फाइलों के नाम दिखाता है, लेकिन हमें अन्य विवरण नहीं मिल पाता। हम वास्तविक बदलाव जानना चाहते हैं जो इन फाइल्स पर किए गए हैं। अब देखें कि इसे कैसे चेक करते हैं। टाइप करें git space diff और एंटर दबाएं। यह कमांड फाइल्स के वर्तमान स्टेटस की नवीनतम कमिट के साथ तुलना करेगी। यहाँ आप history.html फाइल के दो संस्करण देखेंगे। a/history.html आखिरी कमिट का संस्करण है और यह माइनस साइन से प्रदर्शित होता है। b/history.html वर्तमान स्टेट का संस्करण है और यह प्लस साइन से प्रदर्शित होता है। अतः यहाँ माइनस साइन के साथ लाल रंग की लाइन पुराना संस्करण है और प्लस साइन के साथ हरे रंग की लाइन नया संस्करण है। अधिक देखने के लिए डाउन एरो दबाएं। ये वो लाइनें हैं जो हमने नए संस्करण में जोड़ी हैं। आप mypage.html फाइल के बदलावों को भी देख सकते हैं। डाउन एरो की दबाएं। एग्जिट के लिए Q की दबाएं। यहाँ आउटपुट रंगों में दिखता है। अगर हम लाइनों को रंगों में नहीं देख सकते तो टाइप करें git space config space hyphen hyphen global space color dot ui space true और एंटर दबाएं।
अगर हम रंग नहीं देखना चाहते तो कृपया इस कमांड में true के बजाय false प्रयोग करें। टाइप करें git space diff और एंटर दबाएं। अब आउटपुट रंगों के बिना दिखता है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक विशेष फाइल में बदलावों को कैसे देखते हैं। टाइप करें git space diff space history.html और एंटर दबाएं। यहां हम केवल history.html फाइल में बदलाव देख सकते हैं। अब अपनी फाइल्स को स्टेजिंग एरिया में जोड़ते हैं। टाइप करें git space add space history.html space mypage.html और एंटर दबाएं। दोबारा git diff चेक करते हैं। टाइप करें git space diff और एंटर दबाएं। इस समय हमें कोई आउटपुट नहीं मिलता क्योंकि हमारी फाइल्स स्टेजिंग एरिया में जोड़ी गई हैं। ऐसी स्थिति में हम टाइप कर सकते हैं git space diff space hyphen hyphen staged और एंटर दबाएं। अब हम वैसा ही एक आउटपुट देख सकते हैं जैसा हमें git diff कमांड में मिला था। हम वही परिणाम प्राप्त करने के लिए hyphen hyphen staged के बजाय hyphen hyphen cached भी उपयोग कर सकते हैं। हम वर्तमान स्टेट की तुलना किसी भी पिछली कमांड से कैसे कर सकते हैं? पहले हम git log देखेंगे। टाइप करें git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं। अब मानिए मैं अपनी वर्तमान स्टेट की तुलना इनिशियल कमिट से करना चाहती हूँ, तो टाइप करें git space diff space फिर इनिशियल कमिट के कमिट हैश को कॉपी और पेस्ट करें और एंटर दबाएं। यहाँ हम अंतर देख सकते हैं। इस तरह से हम अपने वर्तमान स्टेट की तुलना हमारी रिपोजिटरी में किसी भी पिछली कमिट से कर सकते हैं। इस तरह से हम git diff कमांड प्रयोग करके संशोधित फाइल्स में सभी बदलावों को देख सकते हैं। यह निश्चित करने में मदद करता है कि कमिट करने से पहले हमने ठीक-ठीक क्या बदलाव किए हैं। इस पॉइंट पर हम अपना काम फ्रीज करते हैं। कमिट के लिए टाइप करें git space commit space hyphen m space डबल कोट्स में edit colors और एंटर दबाएं। आगे सीखते हैं कि दो कमिट्स के बीच अंतर कैसे देखते हैं। अब git log चेक करते हैं। टाइप करें git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं। टाइप करें git space diff space फिर इनिशियल कमिट के कमिट हैश को कॉपी और पेस्ट करें space अब edit colors के कमिट हैश को कॉपी और पेस्ट करें। एंटर दबाएं। अब दो दिए हुए कमिट्स के बीच अंतर देखा जा सकता है। आगे हम आखिरी रिवीजन की आखिर से दूसरे वाले रिवीजन के साथ तुलना करेंगे। टाइप करें git space diff space head tilde और एंटर दबाएं। head वो आखिरी रिवीजन दिखाता है जो कमिट मैसेज edit colors रखता है। head tilde आखिर से दूसरा वाला वो रिवीजन दिखाता है जो कमिट मैसेज added history.html रखता है। लेटेस्ट रिवीजन हमेशा हेड होता है। लेटेस्ट -1 रिवीजन हमेशा हेड टिल्डा होता है। इसी तरह से लेटेस्ट -2 रिवीजन हेड टिल्डा 2 और लेटेस्ट -3 रिवीजन हेड टिल्डा 3 है और इसी तरह आगे भी। टर्मिनल पर वापस आते हैं। अब git show कमांड के बारे में सीखते हैं जो कमिट के सारे विवरण को दिखाने में मदद करता है। टाइप करें git space show और एंटर दबाएं। यह कमांड रिपोजिटरी में नवीनतम कमिट के विवरणों को दिखाएगी। यह दिखाता है कि कमिट विवरणों के साथ फाइल्स में क्या बदलाव किए गए हैं। यह विशेषता तब उपयोगी होती है जब हम सहयोग से काम करते हैं। अब git log देखते हैं। टाइप करें git space log space hyphen hyphen one line और एंटर दबाएं। इनिशियल कमिट के विवरणों को देखने के लिए टाइप करें git space show space फिर इनिशियल कमिट के कमिट हैश को कॉपी और पेस्ट करें और एंटर दबाएं। यहां आप इनिशियल कमिट के विवरणों को देख सकते हैं। इस तरह से हम अपनी रिपोजिटरी के किसी भी कमिट का विवरण देख सकते हैं। आगे हम सीखते हैं कि फाइल की पूरी हिस्ट्री कैसे देखते हैं।
mypage.html की पूरी हिस्ट्री देखने के लिए टाइप करें git space blame space mypage.html और एंटर दबाएं। यहाँ हम mypage.html फाइल की पूरी हिस्ट्री यानी निर्माण से वर्तमान स्टेज तक देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी रिपॉजिटरी में किसी भी फाइल के सारे विवरण देख सकते हैं। अंततः हम देखेंगे कि git से कैसे मदद मिलती है। मदद प्राप्त करने के लिए सिंटैक्स निम्न प्रकार है: git help verb या git verb hyphen hyphen help या man git verb। उदाहरण के लिए git help show। अब मैं इसे दिखाती हूँ। टर्मिनल पर वापस जाएं और टाइप करें git space help space show और एंटर दबाएं। यहाँ हम show कमांड का मैनुअल देख सकते हैं। इसके साथ हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारांशित करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने निम्न के बारे में सीखा: git diff, git show, git blame और git help कमांड्स। नियत कार्य में निम्न कमांड्स का अन्वेषण करें: git reflog, git diff head tilde head, git show head और man git diff। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं आयोजित करती है और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के NMEICT द्वारा निधिबद्ध है। इस मिशन पर अधिक जानकारी निम्न लिंक पर उपलब्ध है। IIT बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।